हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फाई स्टडी स्टूडियोज विच्चा पाठवन अकेडमी। तो शाम के 4:30 बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जहां हम लोग देख रहे हैं एनटीपीसी। आपको पता होगा कि अभी आपके पेपर नहीं हो रहे हैं, यानी ना आज पेपर था ना कल पेपर था, फिर भी कुछ बच्चों को लगता है कि सर आप एग्जाम एनालिसिस क्यों नहीं करा रहे हैं। अब आप बताओ एग्जाम एनालिसिस कैसे कराया जाए, एग्जाम एनालिसिस कैसे कराया जाए जब पेपर ही नहीं है, तो मुझे इतना बता दो एग्जाम एनालिसिस कैसे कराया जाए जब पेपर नहीं है। पेपर हो तभी तो एग्जाम एनालिसिस कराया जाए। अब देखो पेपर कब है, 27 को पेपर है, 28 को पेपर है, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को पेपर है। तो जब पेपर है तभी तो एनालिसिस होगा, मानते हो ना। देखो ये पेपर है कि नहीं, क्लियर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए आगे देखें फिर। तो क्या पढ़ना हमें आज, फिर से 40 सवाल देखते हैं आपको, जो वैसे 40 सवाल जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपको एग्जाम में देखने को मिले, है ना, एग्जाम में देखने को मिले। चलिए, जिनका पेपर होगा भाई हमेशा याद रखना रिवीजन पे जोर देना। किस पे जोर देना? रिवीजन पे जोर देना। किस पे जोर देना? रिवीजन पे जोड़ देना, बिल्कुल ठीक है। 5 मार्च को है, 5 मार्च को है। चलिए आगे देखें। जो बच्चे CBT 1 होते जा रहे हैं, जिन बच्चों का CBT 1 होता जा रहा है, बिल्कुल CBT 2 और ग्रुप डी पर फोकस करना। आप हमारे साथ जोड़ सकते हो अनअकैडमी पे, जहाँ मेरी स्पेशल क्लास 10:05 पे है, 5:40 पे क्लास है, और फिर 7:05 पे क्लास है आपकी, याद रखना ठीक है भाई। अब ये देखो, याद होगा पिछले कमिंग फ्राइडे को रात 10 बजे क्या पढ़ेंगे हम लोग, योजना आयोग, जनगणना 2011, फिर जितने भी सरकारी योजनाएं हैं, यानी समझ लो रिवीजन करने का एक अच्छा मौका है, रिवीजन करने का एक अच्छा मौका। कहां पे? वाई फाई स्टडी मेन चैनल पे। कहां भाई? वाई फाई स्टडी मेन चैनल पे 10 बजे। फिर हम लोग देखेंगे महारत्न कंपनियां, भारतीय नदियां, नदियों के किनारे बसे शहर, कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अरे बात है समझ में, चलिए आगे देखें। सवाल नंबर 1, हु इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट सीएनजी ट्रैक्टर, भारत के पहले सीएनजी ट्रैक्टर का उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी, गडकरी, हर्षवर्धन, पीयूष गोयल। सवाल नंबर 1, जल्दी।
ठीक है भाई, क्लियर है? आगे देखना, तो क्या होगा जवाब इसका? नितिन गडकरी। क्या होगा? नितिन गडकरी, बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? नितिन गडकरी जो नागपुर से आपके सांसद हैं, नागपुर से आपके सांसद है, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है? कहता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 12 फरवरी 2021 को देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया, जो ईंधन की लागत पर सालाना 1,00,000 रुपये की बचत करने में सक्षम होगा, बचत करने में सक्षम होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? आगे देखो, कहता द पार्ट ऑफ द ब्रेन इन कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, ऐच्छिक पेशी के नियंत्रण में मस्तिष्क का हिस्सा क्या होगा? सेरेबलम, मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स, सेरेब्रम। सवाल नंबर दो, जल्दी। सेरेबलम क्या होगा भाई? सेरेबलम, दो चीज समझना, दो चीजें हैं, एक हमारा ब्रेन का अगर डेवलप पार्ट की बात करें तो सबसे विकसित हिस्सा सेरेब्रम, लेकिन कहता है जो वॉलेंट्री मसल्स, जो ऐच्छिक पेशी है, वो कौन करेगा? सेरेब्रम करेगा, जो मस्तिष्क में पीछे, मस्तिष्क में ये पीछे, यानी जो तीन प्रकार के फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, तो ये कहाँ लोकेट है? ये हिंड ब्रेन में लोकेट है। ये कहाँ लोकेट होगा? ये फोर ब्रेन में लोकेट है, ये फोर ब्रेन में लोकेट है, याद रखना, ठीक है भाई? क्लियर? आगे देखो, तो सेरेब्रम मस्तिष्क के पीछे, सिर के पीछे स्थित है। इसका कार्य क्या है? कि स्वैच्छिक मांसपेशी गति का समन्वय करना और उसे संतुलन बनाए रखना। सेरेब्रम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, सेरेब्रम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? आगे देखो, ये सेरेब्रम और ये सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या है? ये लार्जर पार्ट है, सबसे विकसित हिस्सा, लार्जर पार्ट, सबसे डेवलप हिस्सा, जिसका काम क्या है? थिंकिंग, सोचना, विजडम, बुद्धिमानी, उन सब का काम किसका है? तो सेरेब्रम का है। किसका है? सेरेब्रम का है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है? आगे देखो, रेटिना में किस कोशिकाओं द्वारा रंग दृष्टि यानी कलर विजन देखने को मिलता है? रॉड, कोन, फोवा या फिर ब्लाइंड स्पॉट। सवाल नंबर तीन, जल्दी। देखो, मैंने पहले ही समझाया कि सी फोर कलर, सी फोर कोन, और जो लाइट होगा ये रोड, और जो वाइट पार्ट है वो स्कैलरा, जो वाइट पार्ट है वो स्कैलरा, और जो हम दान करते हैं वो कॉर्निया, और जो इमेज बनेगा वो रेटिना में, ठीक है भाई, याद रखना। आगे देखो, तो ये देख सकते हो, ये कॉर्निया और आयरिस जो है वो लाल आंखें, पीली आंखें, ब्लू आंखें, नीली आंखें, काली आंखें, सारे के सारे आयरिस, याद रखना, ठीक है? तो शंकु कोशिकाएं मानव आंखों सहित कशेरुक आंखों के रेटिना में कोशिकाएं हैं, क्लियर? सेरेब्रम कुंदन, वही तो मैंने कहा कि सेरेब्रम फोर ब्रेन का पार्ट और सेरेब्रम पीछे का पार्ट, वही तो मैंने कहा आपको,
हाँ ध्यान देते हो बेटा, जिस हार्मोन में आयोडीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? थायरोक्सिन, एड्रेनालिन, वास्टोप्रेसिन या प्रोलैक्टिन? सवाल नंबर 4, जल्दी। शिवली जी अनैच्छिक मेडुला है ना, सवाल क्या था? ऐच्छिक था, सवाल ऐच्छिक था, थायरोक्सिन। तो जिस हार्मोन में आयोडीन होता है वो थायरोक्सिन है, और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में गलकंड, गलकंड जिसे कहते हैं गलकंड, याद रखना ठीक है। तो रक्तचाप, द ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन। जो रक्तचाप हार्मोन किसके द्वारा कंट्रोल होगा? एल्डोस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। सवाल नंबर 5, जल्दी। जल्दी तो क्या होगा बेटा? देखो एल्डोस्टेरोन, और अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करूं तो ब्लड प्रेशर को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 भाग इन द सेंस कि हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और नॉर्मल, यानी हाई बीपी, लो बीपी और नॉर्मल बीपी। तो जो हाई बीपी है उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। जो क्या होता बच्चे, तो 150/100, लो बीपी को हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन जो क्या होगा 100/50, और नॉर्मल बीपी 120/80, 120/80 ये आपके सामने है। तो ये 3 कहानी आपके सामने, 3 कहानी आपके सामने, बिल्कुल याद रखना ठीक है। आगे देखो तो एल्डोस्टेरोन एक स्टेरॉइड हार्मोन है, एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसकी मुख्य भूमिका शरीर में नमक और पानी को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, जिस पर हमारे ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है, ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है ठीक है भाई। आगे देखो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का संबंध किससे है? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन इज कंसर्न्ड विथ बॉडी ग्रोथ, मेटामॉर्फिक्स, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन। सवाल नंबर 6, जल्दी क्या होगा? तो समझना, बॉडी ग्रोथ यानी क्या कहा? सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन, इसके कमी से हमारा शरीर बौनापन हो जाएगा, इसकी ज्यादा मात्रा से हमारा शरीर विशालकाय हो जाएगा। बॉडी ग्रोथ क्या होगा? बॉडी ग्रोथ, क्लियर है? क्या होगा भाई? बॉडी ग्रोथ, बिल्कुल याद रखना। कमी से बौनापन, विशालकाय, दोनों में फायदा है। अगर कम निकलेगा तो ठिगने हो जाएंगे, वहां भी हम सरकार से पैसा कमा लेंगे, लेकिन नुकसान। तो सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन संबंध किससे? बॉडी ग्रोथ से है। किससे? बॉडी ग्रोथ से। जबकि डाइजेशन की बात करें तो आप समझना, इसका काम शुरू होता है हमारे माउथ से, इसका काम शुरू होता है माउथ से, जो पचाता किसको है? स्टार्च को। सबसे पहले किसको पचाएगा? स्टार्च, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं या मंड कहते हैं ठीक है। स्टीएच हार, अरे अंजलि जी तो ये क्या तोड़ो, एस टी एच हार्मोन, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन, यही तो स्टीएच है, यही तो स्टीएच है, सोमाटोट्रॉपिक हार्मोन। द लार्वा ऑफ द हाउस फ्लाई इज कॉल्ड, घरेलू मक्खी के लार्वा को हम क्या कहते हैं? मैगोट, कैटरपिलर, ग्रब या विग्रेलर। सवाल नंबर 7, जल्दी।
देखो क्या बोलते हैं इसे, मैगॉट बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो सर्कुलेशन देखना, ये है क्या, एक दिन के भीतर अंडे सेने के लार्वा में उड़ते हैं और इस लार्वा को मैगॉट्स के रूप में जानते हैं, लार्वा को मैगॉट्स के रूप में भी जाना जाता है। अब ये देखो हाउस फ्लाई है, इसने अंडा दिया और ये लार्वा कहलाया, ये लार्वा कहलाया, दूसरा स्टेज भी लार्वा है, तीसरा स्टेज लार्वा है, चौथा प्यूपा, इसके बाद ये डेवलप हो गया, इसके बाद ये डेवलप हो गया। एक चीज और समझना, मुस्का डोमेस्टिका, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का डोमेस्टिका क्या होगा, मुस्का डोमेस्टिका। अरे बात समझ में, मुस्का डोमेस्टिका वैज्ञानिक नाम। नए अंगों के विकास को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, मोर्फोजेनेसिस, हिस्टोजेनेसिस, पैडोजेनेसिस। सवाल नंबर 8, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गन्स इज टर्म्ड, नए अंगों के विकास को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस कहते हैं, हिस्टोजेनेसिस या पैडोजेनेसिस। सवाल नंबर 8, जल्दी। मोर्फोजेनेसिस, क्या कहेंगे बच्चे, नए अंगों के विकास को मोर्फोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहते हैं, मोर्फोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। अब देखते चलो पार्थेजोनेसिस क्या है, कहता है सर एक अलैंगिक प्रजनन है, ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें भ्रूण के विकास और शुक्राणु विकास शुक्राणु द्वारा निषेचन के बिना होते हैं, ठीक है। ये कहां देखने को मिलता है हमें, जानवरों में, जबकि मार्फोजेनेसिस की बात करें, एक जैविक प्रक्रिया जो एक कोशिका उत्तक या जीव का कारण बनती है, जीव का कारण बनेगा। आगे देखें हिस्टोजेनेसिस की बात करें, यह अविभाज्य कोशिकाओं में, अविभाज्य कोशिकाओं से विभिन्न उत्तकों का निर्माण होता है। अच्छा एक चीज बताओ, कुछ बच्चे कहते हैं, चलो आगे देखो छोड़ो, इंसेक्ट पॉलिनेशन इज नोन एज, कीट परागण को किस रूप में जाना जाता है, हाइड्रोफिली, ऑरिन्थोफिली, एनेमोफिली, एंटोमोफिली। सवाल नंबर 9, जल्दी। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफिली, और ये वाटर से, ये पानी से होगा परागण, क्या होगा, वाटर से परागण होगा, और ये ऑरिन्थोलॉजी बर्ड से, ये किससे होगा, बर्ड से होगा। तो हमेशा याद रखना कीट परागण एंटोमोलॉजी, ये पानी से और ये बर्ड से, और ये बर्ड से, ठीक है। अब जरा हवा से बताओ, हवा से परागण क्या कहेंगे, हवा से परागण एनिमोफिली है क्या, अगर हवा से परागण एनिमोफिली है तो जरा थंब दिखाना बिल्कुल, ठीक है, जरा थंब दिखाना बिल्कुल कि सर बिल्कुल, ठीक है। आगे देखो, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक क्या हैं, अनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल, मॉर्गन, डार्विन, मूलर। सवाल नंबर 10, जल्दी। तो आनुवांशिक के जनक किसे कहते हैं, मेंडल को कहते हैं, ग्रेगर मेंडल, किसे कहेंगे, ग्रेगर मेंडल। डार्विन विकासवाद का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत, ये क्या है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत। आगे देखो, एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की एक खगोलीय इकाई, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर 11 क्या होगा,
सवाल नंबर 11, क्या होगा? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, यानी सूर्य की प्रकाश निर्वात में तय की गई दूरी, निर्वात में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? एक प्रकाश वर्ष है। क्या ये प्रकाश वर्ष है? लाइट ईयर है। आगे देखो, सूरज लगातार ऊर्जा का एक विशाल मात्रा में उत्पादन करता है। सूरज लगातार ऊर्जा का एक विशाल मात्रा में उत्पादन करता है, कारण क्या है? परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, केमिकल कंबसन या बॉइलिंग उबलना। सवाल नंबर 12, जल्दी क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। क्या होगा? परमाणु संलयन। क्या होगा भाई? परमाणु संलयन, बिल्कुल याद रखना, है ना। देखो दो चीजें हैं, विखंडन और संलयन में क्या है कि विखंडन में एक बड़ी न्यूक्लियाई दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई में विभाजित हो जाती है। संलयन में क्या है? दो या दो से अधिक न्यूक्लियाई जुड़कर ये विस्फोट होती है, उसे हम संलयन कहते हैं। तो परमाणु संलयन को आप हाइड्रोजन संलयन भी कह सकते हो, हाइड्रोजन संलयन भी कह सकते हो, इसे नाभिकीय संलयन भी कह सकते हो, इसे नाभिकीय संलयन भी कह सकते हो, नाभिकीय संलयन भी कह सकते हो। एक चीज और याद रखना कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है, परमाणु विखंडन है, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होगा? न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना। द एसआई यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई जूल, न्यूटन जूल पर सेकेंड या अर्ग पर सेकेंड। सवाल नंबर 13, क्या होगा? क्या होगा भाई? तो जूल पर सेकेंड, न्यूटन फोर्स बल, फोर्स जूल वर्क, जूल का वर्क, जबकि पावर का क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड होगा, जूल पर सेकेंड होगा, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। कहता है जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जातियों का सबसे बड़ा प्रतिशत है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। सवाल नंबर 14, जल्दी क्या होगा? तो जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जनजातियों का सबसे बड़ा प्रतिशत पंजाब में है। ओवरऑल अगर राज्य की बात करेगा तो एमपी, और अगर ये अनुसूचित अनुसूचित जाति यूपी, अनुसूचित जाति यूपी, और अगर जनजाति होता तो। अब देखो दो चीजें हैं, क्या पूछा है? प्रतिशत, जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार, इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं हुआ, इसीलिए उत्तर प्रदेश नहीं हुआ। अगर केवल पूछता कि भाई अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा कहां, तब हम उत्तर प्रदेश लगाते। सवाल क्या पूछा? परसेंटेज पूछा है, समझना। क्या पूछा है? जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार, बिल्कुल कहानी वही है जो आप देखते हो फॉरेस्ट में, सबसे ज्यादा जंगल कहां? मध्य प्रदेश में। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा जंगल कहां है, जरा बताओ जल्दी। ठीक है, बेटा एसटी नहीं है, एससी है, है ना। आगे देखो, तो 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब की आबादी का उच्चतम प्रतिशत एससी है, 32% है, 32% एससी पूछा है, ना कि एसटी पूछा है। क्या पूछा? एससी पूछा है भैया, याद रखना, मिजोरम, क्या बात है, ठीक है। जबकि भारत के द्वीप क्षेत्रों और तीन पूर्वोत्तर राज्यों में 0% था, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, किसने पाया कि किसी स्थान पर किसी वस्तु के लिए फ्री फॉल त्वरण समान है?
न्यूटन पास्कल आर्किमिडीज गैलीलियो सवाल नंबर 15 जल्दी। किसने पाया? गैलीलियो ने। किसने पाया? गैलीलियो का सिद्धांत कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? गैलीलियो का सिद्धांत कहते हैं इसे। आगे देखो, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? खेल, पत्रकारिता, संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सवाल नंबर 16 जल्दी। परसेंटेज ना होता तो उत्तर प्रदेश होता, परसेंटेज नहीं पूछता तो यूपी होता। साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब जरा बता दो कि यह पुरस्कार कौन देता है, कौन प्रदान करता है और पत्रकारिता की बात करें पुलित्ज़र पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार, पुलित्ज़र पुरस्कार ICRA कौन देगा? ICRA प्रदान करता है। आगे, एक द्रव्यमान पर निरंतर बल लगाने पर यह एक समान किसके साथ चलता है? वेग के साथ, गति के साथ, त्वरण के साथ, कोणीय वेग के साथ। सवाल नंबर 17 त्वरण के साथ। भाई ए बराबर एम ए यही तो है कि एक द्रव्यमान पर एक निरंतर बल लगाने पर या किसके त्वरण के एक समान चल त्वरण के एक साथ चलता है। बल का दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का सेकेंड लॉ है ना। तरल पदार्थ के लिए दबाव नापने का यंत्र क्या कहा जाएगा? हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, लैक्टोमीटर, एनेमोमीटर। सवाल नंबर अठारह क्या होगा? तो मैनोमीटर, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, प्यूरिटी, दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर। अरे बात है समझ में। तो तरल पदार्थ के लिए अब प्रेशर गेज फॉर फ्लड्स मैनोमीटर है। क्या होगा? मैनोमीटर है ना। एंड्रॉइड बैरोमीटर का उपयोग कहां करते हैं? एंड्रॉइड बैरोमीटर में किसका यूज किया जाता है? मरकरी का, डिस्टिल्ड वाटर का, अल्कोहल का, या किसी भी तरल का उपयोग नहीं करता है। सवाल नंबर 19 जल्दी। मरकरी, पारा, बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव मापते हैं, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। आगे देखो, लो आ गया, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर, ऑडोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। सवाल नंबर 20 किसका यूज करते हैं? अभी मैंने बताया बैरोमीटर। पायरोमीटर की बात करें तो तापमान को मापते हैं, लेकिन जो विशाल तापमान के हैं, जैसे 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास सूरज का तापमान, सूरज का तापमान, ठीक है। कौन सा सातवाहन का अंतर्देशीय व्यापार का केंद्र था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ इनलैंड ट्रेड ऑफ द सातवाहन? नासिक, श्रीकाकुलम, तगार या सूरत। सवाल नंबर 21 क्या होगा भाई? तगार, ये कहां? तमिलनाडु में, कावेरी नदी के किनारे और कावेरी कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच विवाद, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखो, कालिदास के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा आंध्र के बारे में जानकारी देता है? शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, कुमार संभव। सवाल नंबर 22 तो मालविकाग्निमित्रम, सब के सब
कालिदास ने लिखा भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर है ये, भारत का शेक्सपियर है। ठीक है भाई, शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, सब के सब कालिदास के द्वारा लिखी गई है। किनके समय में? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में, याद रखना। आगे देखो, अपोलोडोटस किसका जनरल था? हुज जनरल वाज अपोलोडोटस? युथयराइड, डेमेट्रियस, डायोडोटस, एंटीकोस, सवाल नंबर 23। तो क्या होगा ये? डेमेट्रियस। किसका था? किस जनरल मतलब सेनापति, सेनापति किसका था ये? डेमेट्रियस का सेनापति था। किसका? डेमेट्रियस का सेनापति था, बिल्कुल याद रखना। प्राचीन चोल साम्राज्य किस नदी डेल्टा के आसपास मौजूद था? तुंगभद्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24, देखो आजकल के बच्चे का लैंग्वेज देखना। एक बच्चा है दीपक पाल, उनका कमेंट्स देखना आप लोग, क्या यही आपके माँ बाप यही सिखाते हैं? मतलब आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स क्या यही सिखाते हैं कि ऐसे ही बोले जाता है? तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने पापा से, अपनी मम्मी से भी ऐसे ही बात करता होगा? देखना कमेंट, देखना उसका क्या है, सोचो कैसे बच्चे हैं यार। अभी मैंने कहा कावेरी, तो चोल साम्राज्य नदी किस नदी डेल्टा के आमने सामने? कावेरी के नदी डेल्टा के भी मौजूद था। चोल की बात करें, विद्यालय फाउंडर थे इसका, विद्यालय फाउंडर है। एक चीज और समझना, कई बार पूछ रहा है राज प्रथम जिसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर या जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, राजेश्वर टेम्पल कहते हैं, बनाया? किसने? राजराज प्रथम ने। ठीक है, अरे बात समझ में। आगे देखो, अष्टाध्यायी किसने लिखी? हु रोट अष्टाध्यायी? पाणिनि, कात्यायन, जयदेव, भावार्थ, सवाल नंबर 25। जल्दी तो बच्चे याद रखना, अष्टाध्यायी पाणिनि के समय में। अब जरा बता सकते हो किसके काल में लिखा गया, जरा बताइए? ये क्या था? ग्रामर था, संस्कृत ग्रामर। और ये भारत का पहला संस्कृत ग्रामर। अब जरा बताओ किनके काल में, किस वंश के समय लिखा गया? किस वंश के समय लिखा गया? जल्दी, किस वंश के समय लिखा गया था ये? जल्दी, चंद्रगुप्त, बिल्कुल गलत। देखिए स्वांगी ने बता दिया, बहुत बढ़िया, नंद डायनेस्टी के काल में। क्या बात है स्वांगी, बहुत बढ़िया, नंद डायनेस्टी के काल में। किसके समय में? नंद वंश के समय में। सोचो नंद वंश के समय में, याद रखना। आगे देखो, किसके शासन काल में बुद्ध की पहली छवि को देखा गया था? अशोक, पुष्यमित्र सुंग, कनिष्क प्रथम या मिनांडर, सवाल नंबर 26। कनिष्क प्रथम या कनिष्क के समय में। आपको याद होगा कि जब कुषाण वंश गद्दी पर बैठता है, कुषाण डायनेस्टी गद्दी पर बैठता है, तो कुषाण डायनेस्टी का फाउंडर
कुजूल कटफिशेस। इसके बाद कनिष्क बैठता गद्दी पर और वो पहली बार बुद्ध की मूर्ति बनाता है, जबकि बुद्ध मूर्ति पूजा का विरोध किए थे, बिल्कुल याद रखना। गंधार मथुरा स्कूल अपार्ट, जो कुषाण काल और डैश के विदेशी प्रभाव के दौरान पनपा था, तो ग्रीस, रोम, बोथ एंड बी या चाइना, सवाल नंबर 27। जल्दी सवाल नंबर 27 क्या होगा, तो क्या होगा भाई, बोथ एंड बी। देखो ग्रीस और रोम और इंडिया, तो जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है वो ग्रीस है, रोम है, लेकिन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वो भारत का। तो ये दोनों ने मिलकर गंधार स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिला था, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट देखने को मिला था, जो किसके समय में, कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में, जो कुषाण काल से संबंधित था, कुषाण काल से संबंधित था, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, आगे देखो, भारत में बुद्ध की छवियों की पूजा किस वंश के दौरान देखने को मिली, मौर्य, सुंग, कुषाण, गुप्त, सवाल नंबर 28। एक सवाल को कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं, अभी एक सवाल लेकिन तीन तरीका, सवाल एक ही है तीन तरीके से, किसमें, एक में आपने शासक देखा, एक में आपने रूलर देखा कि रूलर कौन था, एक में आप देख रहे हो डायनेस्टी, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, समझना पड़ेगा कि एक सवाल को कितने तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं, है ना। मगध का अंतिम महान शासक वंश कौन था, सुंग, कण्व, कुषाण, गुप्त, सवाल नंबर 29। क्या होगा, तो आपको याद होगा कि मगध में अंतिम महान वंश गुप्त काल, क्यों, क्योंकि इसकी पहली राजधानी पाटलिपुत्र, इसके बाद दूसरी राजधानी उज्जैन थी, दैट मीन्स गुप्त, क्या होगा, गुप्त होगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ, कनिष्क एक ऐसे युग से जुड़ा है जिसे किस वंश के नाम से जानेंगे, विक्रम युग, शक सतवाहन युग, शक युग, गुप्त युग, सवाल नंबर 30। जल्दी बताओ क्या होगा, तो शक युग, शक संवत, क्यों, क्योंकि कनिष्क ने जब 78 ईस्वी पर गद्दी पर बैठता है तब एक नया संवत चलाता है जिसे हम शक संवत कहते हैं, और आपको याद होगा कि ये शक संवत की शुरुआत 1957 में भारत सरकार स्वीकार करती है, जबकि विक्रम संवत 57-58 बीसी में हिंदू धर्म मानता है, और विक्रम संवत नेपाल का ऑफिशियल याद रखना। ठीक है, आगे देखो, ऑक्सीजन परिवहन का प्रमुख कार्य किसका, WBC, RBC, ब्लड प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, क्या होगा, तो ऑक्सीजन परिवहन आरबीसी का महत्वपूर्ण कार्य है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हमारा बॉडीगार्ड, ठीक है, और ये लिक्विड पार्ट, ये तरल भाग रक्त का। पौधों में पानी किससे ऊपर क्यों ले जाया जाता है, बिल्कुल याद रखना, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, जाइलम, मेरिस्टेम। तो आपको पता है कि पौधों में जो पानी है वो ऊपर चढ़ता है किसके जरिए, जाइलम के जरिए, जबकि तैयार भोजन फ्लोएम पूरे प्लांट को पहुंचाता है। आगे देखो, वह जानवर जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, बंदर, छिपकली, माउस, हाथी, क्या होगा, सवाल नंबर 33। तो क्या होगा भाई, लिजार्ड या बर्ड, ये यूरिक एसिड का, क्यों, क्योंकि ये यूरिन तो होता नहीं है, तब ये वाइट कलर का आपने देखा होगा, चाहे कबूतर हो चाहे लिजार्ड हो, है ना, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है। नेफ्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं, लीवर, लंग्स, ब्रेन, किडनी, सवाल नंबर 34। जल्दी
तो नेफ्रॉन की बात करें, किडनी का यूनिट है ये, किडनी का यूनिट है, याद रखना किडनी का यूनिट है ना। आगे देखो, हृदय की धड़कन की दर किस हार्मोन द्वारा एक्सेलरेट होती है, किस हार्मोन द्वारा एक्सेलरेट होती है, जल्दी एड्रेनालाइन, क्या होगा एड्रेनालाइन, जिसे हम लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं, लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं लड़ो उड़ो हार्मोन, याद रखना लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं इसे, है ना। छिपकली सांप मगरमच्छ और कछुए किस वर्ग में आएंगे, एप्स रेप्टिलिया मैमिलिया उभयचर, सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 क्या होगा। तो ये रेप्टिलिया ये बर्ड हैं, ये मैमल्स हैं स्तनधारी, और एम्फीबियंस फ्रॉग, फ्रॉग स्किन से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। आगे, जो जानवर केवल मृत फ्लैश पर भोजन करते हैं, यानी वैसा एनिमल जो मरे हुए मांस समझ ले उस पर डिपेंड है, क्या होगा हार्बीवोरस कार्निवोरस ओमनिवोरस या कैरियन ईटर्स, कैरियन खाने वाले, सवाल नंबर 37। क्या होगा उसे हम कैरियन ईटर्स बोलते हैं, कैरियन ईटर्स, क्या बोलते हैं कैरियन ईटर्स, है ना। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से किसके लिए आवश्यक है, ग्रोथ इम्यूनिटी रिपेयर एनर्जी, सवाल नंबर 38। बेटा मांसाहारी मरा हुआ मांस नहीं खाता है, शेर कभी भी मरा हुआ मांस नहीं खाता है, ठीक है याद रखना। क्या होगा एनर्जी, क्या होगा एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से मुख्य रूप से हमें एनर्जी मिलता है, बिल्कुल याद रखना। अधिकांश एंजाइम किस रूप में पाए जाते हैं, प्रोटीन लिपिड्स एसिड्स या क्षार, क्या होगा प्रोटीन, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन है, सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं है, याद रखना ठीक है भाई। आगे देखो, यकृत लीवर किसे नष्ट करता है, ल्यूकोसाइट थ्रोम्बोसाइट एरिथ्रोसाइट या लिम्फोसाइट, सवाल नंबर 40। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, अरे बात समझ में, आरबीसी क्या हो गया आरबीसी, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, अभी 5:40 पे आपकी क्लास है अकेडमी पे, याद रखना कितने 5:40 पे जो करंट अफेयर्स देख रहे हो आप, जो आप करंट अफेयर्स देख रहे हो ना 5:40 पे, और अगर आप बिल्कुल तेजस बैच पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो अकेडमी पे, जो आप देख सकते हो 1 साल की फी बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, आप रेफरल कोड यूज करना BA BA10 BA10, ठीक है क्लियर भाई। और 5 तारीख से, दैट मीन्स 5 मार्च से पॉलिटी आ रहा है इसमें, किसमें SSC में, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ रेफरल कोड BA10 लगाकर। अगर अब देखो फिर से मैं बता दूं मैराथन कब है, तो मैराथन कल यानी 26 फरवरी को रात 10 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, दिमाग में सेट कर लेना बिल्कुल। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाना, मिलते हैं अभी 5:40 में अनअकैडमी पे।